हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर से मेरे पिंकुस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आया हूँ वीडियो बनाने उलवे सेक्टर 25 का। और बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कई चैनल होंगे, इसके बहुत सारे वीडियो होंगे, आपने देखा होगा सेक्टर उलवे के सेक्टर 25 को। लेकिन आज एक बार फिर से मैं अपने चैनल में दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे चैनल से आपको कुछ सहायता मिले और कुछ नया देखने को मिले। तो आशा करूँगा कि मेरे वीडियो में कुछ आपको नया कुछ मिला या दिखा या पसंद आया। तो चलिए, हम वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको उन बातों को बताएंगे। हालांकि अभी शुरुआती दौर है तो उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताऊँगा नहीं, वीडियो दिखाऊँगा, उससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए। लेकिन अभी हर एरिया में अभी काम चालू है सेक्टर 25 में। अभी देख सकते हैं ये लगभग बहुत बहुत कम ही बिल्डिंग यहाँ पे रहने को दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत सारे बहुत कम बिल्डिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है तो उतना बिल्डिंग में है नहीं। कलर लगे हुए दिखेंगे आपको, लेकिन है नहीं। अगर कोई ऐसा बिल्डिंग है जिसमें 10-15 रूम ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी खाली है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। तो मैंने सोचा चलो एक सेक्टर 25 का एक वीडियो बना दूं। और बहुत मेरे भाई दोस्त लोग मैसेज किए कि भाई सेक्टर 25 कब आएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल तो बहुत दिन से वीडियो बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो सेक्टर 25 का भी वीडियो दिखाऊँ, ताकि मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिले। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा यहाँ ऊपर से दिखाने का भी। यहाँ से अभी मेरे बैक साइड देख रहे होंगे, अगर हल्का हल्का दिख रहा होगा तो मैं वहाँ से आपको भी वीडियो दिखाऊँगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये सेक्टर 25 कितना बड़ा है। हालांकि अभी ये वाला एरिया देख सकते हैं, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है, लगभग अभी हो ही रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। इससे प्लॉट नंबर भी कहीं कहीं पे दिया है, उतना ज़्यादा दिया नहीं है, तो उतना मैं प्लॉट नंबर और हालांकि मैं जितने वीडियो दिखा रहा हूँ वो सेक्टर 25 का ही है, तो प्लॉट नंबर भी दिया नहीं है, उसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं दूँगा। तो फ़िलहाल मैं इस एरिया को दिखा रहा हूँ और यहाँ की बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ, ताकि इस एरिया के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मिले। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बिल्डिंग सब ही तैयार हो रहे हैं, और जस्ट इसके बगल में ये हाईवे भी है, जो कि ये लेफ्ट साइड से सामने दिख रहा है, जो यहाँ पे ये बेलापुर को जाता है। बेलापुर आगे, आप कहीं भी आगे मुंबई के लिए सीधा निकलता है, तो इस रोड में आप सीधा निकल सकते हैं। और ये मंदिर भी बन रहा है यहाँ पर। तो सेक्टर 25 का ये जो एरिया है, अभी मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये वाला एरिया में मैं बीच में हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे खाली जगह भी हैं, तो ये सब के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा। और बिल्डिंग वगैरह भी नया बन रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट वगैरह कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे सेक्टर 25 में काम चालू है। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे लगभग
कहीं पे बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ है, हालांकि पेंट वगैरह हो गए हैं। तो ये जो पेंट हो गया है यहाँ पे, इस पे भी प्लॉट नंबर नहीं दिया गया है, और ये वाइट कलर का बिल्डिंग जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लॉट नंबर नहीं दिया गया है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है उससे उसके ऊपर जाके आपको इसके पूरे एरिया को दिखाने का, चारों तरफ से दिखाऊंगा, तो आपको आप लोगों को समझ में आएगा ये एरिया कितना बड़ा है और यहाँ पे कुछ सहायता मिल जाएगा। तो कोशिश करूँगा मैं ऊपर जाके दिखाने के लिए। सो गाइस, ये कुछ भाग है सेक्टर 25 का, जो ये ब्रिज के पास वाला भाग है जो मेरे ऊपर है ब्रिज, और अभी ये वाला जो दिखा रहा हूँ, ये वाला वीडियो जो है एकदम किनारे का है। तो इस ब्रिज के ऊपर भी जाएंगे, यहाँ से भी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल तो मैं अभी इस ब्रिज के ऊपर जाने के लिए मुझे कुछ आगे तक जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ से भी आपको ये वीडियो दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं इस ब्रिज के ऊपर, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पूरे चारों तरफ का सीन। सो गाइस, अभी मैं ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ, तो कोशिश करूँगा यहाँ से कि मैं सेक्टर 25 का आपको पूरा वीडियो दिखाऊँ। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए सेक्टर 25 का नज़ारा दिखाते हैं आपको। मैं आपको चारों तरफ से सेक्टर 25 का पूरे एरिया को दिखाया, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सहायता मिले, कुछ समझ में आए यहाँ ये वाला एरिया। और आप लोगों ने भी देखा होगा कई चैनलों में, और मैंने आज कोशिश किया कि ये यहाँ पे का कुछ एरिया को दिखाने का, चारों तरफ से वीडियो शूट करके दिखाने का। अगर मेरे इस वीडियो को देखे होंगे तो बताइएगा ज़रूर कि मेरे वीडियो से आपको क्या सहायता मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको कुछ सहायता मिले। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।